देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण ये कथन है। मुझे लगता है कि ये कहीं ऐसा भटकाव इस उच्च स्तर पे विराजमान व्यक्ति के द्वारा, जिनकी बौद्धिकता और ज्ञान और शैक्षिक योग्यता ये सब बहुत प्रामाणिक तरीके से, बहुत सम्मान से देखा जाता था, वो भी अपने अंतिम दिवस पे, कार्यकाल पे, जब वो राज्यसभा टीवी को ऐसा बोला। ये बहुत दुखद है। ये संविधान, भाई भारत के संविधान में, आप बगल में पाकिस्तान है, बताइए हिंदुओं की क्या हालत हो रही है। अल्पसंख्यक को लेकर के भारत में तो कम से कम हम कह सकते हैं कि चाहे जाकिर हुसैन जी रहे हों, चाहे और तमाम नाम है, जो धर्म के आधार पे कोई भेदभाव कभी नहीं हुआ, योग्यता यहाँ आगे बढ़ती रही। और सबसे बड़ी चीज जो इस विषय पर आज के समय टिप्पणियां कर रहे हैं, तो आज तो देखिए लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत हो चुका है। आज हमारी संवैधानिक संस्थाएं बहुत मजबूत हो चुकी है। आज हमारे संसद के जो घटक है वो बहुत मजबूत हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय बहुत निष्पक्षता से काम कर रहा है। ये सारी संस्थाएं आज इतनी मजबूत हैं, इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, उसमें इतने सक्षम लोग बैठे हैं कि आम नागरिक के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कभी हो ही नहीं सकता। आप सोचिए कि यही हामिद अंसारी आज वहां विराजमान हुए हैं, तो वो किसकी उपज है? इस देश के संविधान की उपज है, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की उपज है। इस देश में जो एक आम नागरिक लिंग, जाति, धर्म, भाषा, भूषा, क्षेत्र के आधार पर विभेद से वंचित रहेगा, इन प्रावधानों के कार्य नहीं। तो चंद्रभूषण जी, आपको क्या लगता है, चंद्रभूषण जी आपको क्या लगता है, क्यों वक्त रहते रहते हर एक दो महीने बाद कोई ना कोई ऐसा शगुफा निकलता है, ऐसा बयान निकल के सामने आ जाता है कि हलचल हो जाती है, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लगता है कि जैसे एक कहावत है वो पंचतंत्र की कहानी की, एक गीदड़ एक उसमें नील के उस गड्ढे में गिरता है और कुछ दिनों के लिए राजा बन जाता है। देखिए इनकी स्थिति आज यही हो गई है। भाई ये इतने उच्च पद में बैठ करके इस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। देखिए इन भारत में कुछ संस्थानों में ऐसे लोग पहुंच जा रहे हैं जो यहाँ के लोकतांत्रिक उदारता के कारण, यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण, यहाँ के शालीनता और शिष्टता के कारण, यहाँ के एक मजबूत संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के कारण, लेकिन वो जाकर के उस इंस्टीट्यूशन का कैसे दुरुपयोग करते हैं उसका एक उदाहरण है। मैं मानता हूं लोकतांत्रिक अधिकार सभी का सुरक्षित है, जाति, धर्म, भाषा, भूषा के आधार पर कोई भेदभाव न तो कहीं दृष्टिगत हो रहा है, दृष्टिगत होने की कोई संभावना है। ये देश जो है बहुत प्राचीन देश है। इस देश में मुसलमानों से लेकर के और तमाम तरह के लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। कलाम जी भी यहीं से निकले, हामिद अंसारी, कलाम जी भी यहीं से निकले हैं। इनका एक राजनीतिक दुष्प्रयोग भी है, पॉलिटिकल मोटिवेशन है इनका, और ये किसी न किसी एक शिगुफे के शिकार है। मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद ये अपने लिए रोजगार तलाशने की भी इनकी कोशिश है। आखिरी वक्त पर